हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज हम करने वाले हैं SSR पोकेमॉन को स्टार्ट अप, क्योंकि भाई मेरे को ट्रेनर लेवल की ज़रूरत है। भाई मेरा ट्रेनर लेवल बहुत कम हो चुका है, मैंने बनाया नहीं अब तक। तो भाई चलो पहले SSR में देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ। पहले मेरे पास ये हुपा है, तो भाई हुपा को तो पकड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास हुपा है नहीं। और विश लिस्ट ही मैंने ये दोनों कलेक्ट किया है, तो छोड़ो इन दोनों को, मैं हुपा बाद में पकड़ के अपग्रेड करूँगा। अभी के लिए मेरे पास रिक्वाजा तो है और बाकी तीन पोकेमॉन भी है, लेकिन रिक्वाजा भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, सिर्फ तीन है। ऊपर से तीनों मेरे ने लॉक लगा के रखा है क्योंकि अच्छे नेचर के हैं। सिंड्रेस भी अच्छा है, तो चलो ब्लास्टोइज को ही करेंगे, क्योंकि ब्लास्टोइज 9 है मेरे पास, शायद कितने पता नहीं। ये तीनों भी अच्छे खासे नेचर के हैं, तो भाई इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो भाई छोड़ो इन तीनों को और देखते हैं। ये हैस्टी भी अच्छा है भाई, और एक था लुगिया शायद से मेरे ख्याल से, पर छोड़ो लुगिया ही होगा, वो मेरे पास ज़्यादा है शायद, वो मेरे पास 12 हो चुका है शायद से। चलो बॉक्स ओपन करते हैं और यहाँ से अपना लुगिया बोल रहा हूँ ब्लास्टेज ले लेते हैं। किधर है ब्लास्टेज? मेरे पास 5 है, लेकिन सेलेबी मेरा कम्प्लीट हो चुका है और ये मार्शल भी कम्प्लीट हो चुका है, सिर्फ ये सीजर बाकी है भाई। लेकिन और यहाँ से वो सारे SSR पोकेमॉन तो मुझे टाइम आइलैंड से मिल ही सकते हैं, मतलब टाइम आइलैंड नहीं आइलैंड से मिल सकते हैं। तो चलो ओपन करते हैं, झट निकाल लेते हैं अपना ब्लास्टोइज। पहले देख लेते हैं मेरे पास कितने ब्लास्टोइज की और ज़रूरत है, मैंने तो 9 अंदाजे से बोला था भाई। देख लेते हैं, शायद मेरे पास 9 ही है क्या, मैं जितना मुझे याद है भाई, क्योंकि मेरा 12 स्टार दिखा रहा था। और किधर है लुगिया? पहले लुगिया को स्टार्ट अप कर लेते हैं भाई। चलो भाई वन टैप पोट भाई, ये काफ़ी भी बाकी है। अबे यार किसे दूँ, ये हैस्टी है, अच्छा खासा एट क्वाइट है लेवल 3 का। चलो हैस्टी दे देते हैं क्योंकि क्वाइट अच्छा होता है हैस्टी से। तो भाई ब्लास्टोइज और कितने की ज़रूरत है भाई, अभी भी 3 और चाहिए भाई। ये हैस्टी भी बढ़िया है, मैं आइलैंड से पकड़ सकता हूँ मतलब अलोला से, लेकिन मेरे पास पोकेबॉल नहीं है, तो मैं शार्ट से कंबाइन करूँगा। और ये एल्क्रीमी को शायद मैं स्टार्ट अप कर दूँ, शायद नहीं भाई, मेरे पास डिटो 1 है और 5 मिल जाएंगे मुझे बॉक्स से नहीं, मेरे पास शार्ट से डिटो के। तो चलो हम बैकपैक में चलते हैं, पहले डिटो कंबाइन कर लेते हैं। ये रहा 5 डिटो मिल गया भाई, चलो स्किप कर लेते हैं। और अभी बॉक्स ओपन करते हैं, यहाँ से मतलब शार्ट्स लेते हैं। ब्लास्टोइज किधर गया? ये रहा, चलो झटझट निकाल लेते हैं। तो भाई ये 175 मैंने निकाल लिया है और हो चुका है मेरा 180। तो चलो झट से इन्हें स्किप करके स्टार्ट अप कर देते हैं। चलो भाई चलो बैक पोकेबॉल में जाते हैं, बैक क्यों बोल रहा हूँ मैं। ये SSR किधर गया? SSR ये एंटे भी मैंने अब तक पकड़ा नहीं है गाइस, ये मेरे टोनिक्स के साथ लिंक है। अगर मेगा गार्चम के साथ होता तो और भी अच्छा होता भाई, क्योंकि इसका क्वाइट मैक्स है, मेगा भाई 4 है, इंडिविजुअल वैल्यू 130 है। चलो छोड़ो ब्लास्टर को स्टार्टअप करते हैं भाई। तो किधर गया अपना ये सारे? चलो ले लेते स्टार्टअप भाई, हो गया। चलो भाई अब एल्क्रीमी को स्टार्टअप करने चलते हैं भाई। ये मेरे पास कॉइन भी अच्छा खासा है 30 मिलियन के करीब। और भाई मैं इटरनेटस को स्टार्टअप कर रहा था क्योंकि पॉइजन टीम के लिए, तो छोड़ो बाद में करेंगे उसे, अभी एल्क्रीमी को करते हैं। तो किधर गया स्टार्टअप भाई? मेरे 6 डिटो चले जाएंगे। चलो लेकिन ट्रेनर लेवल ही बहुत दिनों से अपग्रेड नहीं किया है, तो अपग्रेड करना ज़रूरी है भाई, मेरा ट्रेनर लेवल बहुत नीचे है। तो किधर गया? और एक चाहिए, और एक से स्टार्टअप। यस 5 स्टार भाई। अरे भाई ये ट्रेनिंग करना भूल जाता हूँ, लेवल अप ट्रेनिंग क्यों बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग तो वो है, ये तो लेवल अप है। चलो और भाई मैंने एक टीम में चेंज भी किया है, मैंने सेलेबी को ऐड किया है क्योंकि उसका अच्छा खासा CP है, तो भाई मैं सेलेबी को ऐड कर रहा हूँ, उसे भी डायनेमिक्स भी करूँगा मैं। छोड़ो अपनी अभी ट्रेनर लेवल क्लेम करने चलते हैं भाई। चलो भाई ट्रेनर लेवल क्लेम करते हैं, 150 हो ही जाएगा भाई।
तो अपने को डॉन विंग्स मिल जाएगा, लेकिन भाई 151 तो नहीं होगा, मेरा मतलब चेंज नहीं होगा, ये पर्पल ही रहेगा। छोड़ो अभी उस पर ध्यान नहीं देते, अभी ये डॉन विंग्स पर ध्यान देते हैं। अरे यार फिर से डॉन विंग्स बोल रहा हूँ मैं, डस्टबिन की जगह डॉन विंग्स बोल रहा हूँ मैं। चलो एल्क्री में हो जाना। हाँ हो गया भाई। चलो भाई अब लुगिया का क्लेम कर लेते हैं। किधर गया लुगिया का 3? तो भाई हो गया अपना 50। ये हो नहीं रहा भाई, इतना देर से क्यों होता है भाई। अबे हो जाना, हर बार अटक जाता है। तो क्या है भाई, व्हेन द पोकेमोन फर्स्ट डिबर्ड द डैमेज डील्ड इन द करंट राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। भाई अच्छा खासा है भाई, मतलब पोकेमोन जब बैटल फील्ड में एंटर करेगा तब उसका अटैक पावर बढ़ जाएगा। छोड़ो अब डॉनविन, अब डॉनविन फिर से बोल रहा हूँ, डेक्समैन क्लेम कर लिया। ये वहाँ पर्पल नहीं रहेगा भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता। चलो गाइस मैं आप लोगों को मेरा नया डॉनविंग्स, अबे फिर से डॉनविंग्स भाई, डस्टमैन दिखा देता हूँ भाई। डॉनविंग्स जबान पे छप गया है मेरा भाई। वैसे दोनों का एक ही सोल है ना, मतलब निक्रोजमा, दोनों के ऊपर निक्रोजमा ने कब्जा किया था। चलो गाइस अपने पहले डेक से ये क्लेम कर लेते हैं, जो मिलता है एक अल्ट्रा बॉल। वैसे इस अल्ट्रा बॉल से पोकेमोन एक बॉल से तो पकड़ा नहीं जाता, मेरा काफ़ी सारा बॉल जाता है, आप लोगों का पता नहीं कितने बॉल में आता है पोकेमोन। छोड़ो अभी डॉन डस्टमैन को देखते हैं, पहले इसका सेल कर लेते हैं। यहाँ से तो बहुत नीचे होगा, सुल गैल्यू ऊपर है भाई, सुल गैल्यू से नीचे डस्टमैन, क्योंकि अभी तक हमने शेयरलिंग नहीं किया। तो चलो शेयरलिंग कर लेते हैं, ये मेरा तीसरा शेयरलिंग पोकेमोन है। तो भाई इसका सीपी तो उतना ज़्यादा है नहीं, 118,000 है, तो इसका शेयरलिंग करने के बाद भी इतना कम है। इसको एक टीएम दे देते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे टीएम एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो ये डेड सीड है, इसे दे देते हैं भाई, डेड सीड ही दे देते हैं इसको। और क्या है भाई, ये तो सोल गैलियो से लिंक्ड है, सोल गैलियो को मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसे मैं अपग्रेड करूँगा भाई। अगर सोल गैलियो का टाइम एलैंड अगली बार आया तो भाई उसमें मैं सोल गैलियो 3-4 निकाल लूँगा, और अच्छे खासे नेचर का मिल गया तो भाई डॉनविंग्स भी मेरा अच्छा खासा हो जाएगा, तो मेरा सेकेंड एंड थर्ड टीम में ये जगह ले सकता है भाई। एक अच्छा खासा पोकेमोन है ये, वैसे अभी तो कुछ काम का है नहीं ये। छोड़ो भाई, और भाई नया गिफ्ट कोड आया है एक, मैं वो दिखा देता हूँ, कल आया था। तो भाई गिफ्ट कोड पेस्ट कर लेते, मेरा कॉपी किया हुआ है। तो भाई ये गिफ्ट कोड है, ठीक है भाई। और क्या रिवॉर्ड दिया है देखते हैं, वो 300 और 100 जो हर में देता है। तो गाइस इस वीडियो यहीं तक ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो थोड़े से भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे ऐसी और एक अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।